मेरा रीजन लूवर देखने का था, इजिप्शियन एंटीक्विटीज। पेरिस में मैंने सबसे पहले एज यूजुअल ऑनलाइन बुकिंग की थी लूवर म्यूजियम की। आई गेस उसे लूवर ही प्रोनाउंस करते हैं, लूवर। फिर हम गए लूवर म्यूजियम में। सबके पास स्टोरी होती है और सारे इंडियन वहाँ पे मोनालिसा देखने जाते हैं। मोनालिसा एक पेंटिंग है, लियोनार्डो दा विंसी भाई साहब ने इस पेंटिंग को बनाया था कई सालों पहले। वो बहुत मिस्टीरियस पेंटिंग है और अभी सबके पास अलग अलग स्टोरीज है। सिंस मुझे टाइम ट्रैवल की चीज़ें पसंद है, तो मैंने इस पेंटिंग की एक स्टोरी सुनी थी, शायद से डिस्कवरी चैनल पे देखी थी। उसकी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसमें कहा गया था कि किसी व्यापारी के बीवी की तस्वीर पेंटिंग हो रही थी। उस ज़माने में सब अपने पेंटिंग्स बनवाते थे और उस पेंटिंग के दौरान वो व्यापारी लेके नहीं गया था, लेकिन बीच में किसी चार साल कहीं पे चार साल लियोनार्डो दा विंची भाई साहब कहीं पे गायब हो चुके थे। चार साल वो कहीं नहीं दिखाई दिए और चार साल के बाद जब वापस आए तो उस पेंटिंग को बनाने में उन्होंने 14 साल लिए। अब जब ये पेंटिंग 14 साल तक बनाए हैं तो सबका मानना है कि वो 4 साल टाइम ट्रैवल में गए थे और कुछ जानकारी जो लेके आए हैं वो उसे कोड करके रखी हुई है। हम बात कर रहे थे लूवर म्यूजियम की। आप म्यूजियम ऑनलाइन टिकट ले सकते हो और उसका डाउनलोडेड ई टिकट आपके साथ में रख सकते हो। अंदर कैफे है, शौचालय है, ये बेसिक चीज़ें जो आप सोचोगे ये हर बार क्यों बताती है, मेरे लिए ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हमेशा ज़रूरी होती है, कैफे और शौचालय। तो जैसे आप अंदर जाओगे, फर्स्ट थिंग अगर आप करोगे तो प्लीज़ आप मैप देख के जाइए। म्यूज़ियम बहुत ही बड़ा है, अगर आपको सच में म्यूज़ियम ढंग से देखना हो तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। लेकिन आप अगर सिर्फ मोनालिसा और कुछ इजिप्शियन एंटीक्विटीज़, जो मुझे पसंद है, मेरा रीज़न लूवर देखने का था इजिप्शियन एंटीक्विटीज़ और मेरे ट्रैवल स्टोरीज अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।